मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई इस टाइम आया हूँ मैं खिडवाड़ी गांव रोहतक लोकसभा क्षेत्र, और इस गांव की घनी सारी विशेषताएँ हैं। एक तो यो जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है का गांव है, पास में ही है सांगी गांव, उसके बिल्कुल पास में ही है। दूसरा यहाँ पर जो गौशाला है वो मेरे ख्याल से इंडिया की सबसे बड़ी गौशाला, शायद 8-9 हज़ार गायें यहाँ पर हैं। और भाई पहले यहाँ पर एक बात बड़ी मशहूर थी, इस गांव में मच्छर नहीं होया करते थे, अब तो शायद हो गए। पहले यहाँ पे वरदान था इस गांव को भी मच्छर नहीं होगा, होगा तो लड़ेगा नहीं, इस टाइप से कोई बात। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे भाई बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं जी। पहले मैं इनसे बतला लिया के कुछ कहना है इनका। राम राम जी। राम राम भाई साहब। और जी ठीक हो? हाँ बढ़िया भाई साहब। इलेक्शन आ गया, कौन सी सरकार जीत हो? सरकार भाई बड़े वाली में तो ये मोदी है। मोदी है, मोदी की। और नीचे? नीचे तो अपनी देखो कांग्रेस का ही वो है इधर से ज़्यादातर वर्चस्व है। हाँ अच्छा, अरविंद शर्मा स्ट्रॉन्ग है? नहीं अरविंद शर्मा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इधर से तो सीट तो लगी इसकी लोकसभा की, तो यही निकालेगा दीपेंद्र जी। दीपेंद्र ही निकालेंगे। अच्छा दीपेंद्र जी स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है जी। अरविंद जी का के कुछ विचार है यहाँ पे? अरविंद जी का है बस, खानापूर्ति के लिए किया है इसने, बाकी कैंडिडेट उतारा है बीजेपी ने, बाकी इसका कोई वो नहीं है, आने जाने कुछ आने जाने कुछ नहीं है इतना। जेजेपी का क्या सीन है जी यहाँ पे? जेजेपी का कुछ नहीं है, जेजेपी का खत्म है। इनेलो? हाँ इनेलो भी खत्म, दोनों ही खत्म। ये तो और राजकुमार सैनी है, बीएसपी, ये तो देखो हैं अपने उस लेवल पे हैं, बाकी कुछ नहीं है इनका। मतलब बीजेपी दूसरे पे है, कांग्रेस पहले पे है, कांग्रेस का मतलब दीपेंद्र जी। हाँ दीपेंद्र जी। चलो जी ये तो होगी जी यहाँ की एक भूमिका। अब आगे अंदर बैठे हैं उन तक बतला लें, थोड़ा थोड़ा बतला लें। राम राम भाई जी। राम राम भाई। भाई साहब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है, अपनी सुनाओ। इन्वर्टर बंद करता है ऐसी। अच्छा हाँ जी, किस किस सरकार और क्यों? भाई सरकार तो बनेगी मिलीजुली ऊपर, पर यहाँ दीपेंद्र हुड्डा सांसद बनेंगे, इनका किसी से साथ मुकाबला नहीं है। दीपेंद्र जी एक तरफा है? बिल्कुल एक तरफा। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात हुए बिल्कुल शरीफ हैं, किसी टाइम में लो कोई दिक्कत नहीं, और आज तक बंदे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें उसकी नकारे जा सके, बढ़िया काम करे हैं। बढ़िया मानस? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई साहब के कुछ कहना आपका? बस कुछ नहीं भाई, यो कहना है आड़ा तो दीपेंद्र की ज़्यादा हुआ है। दीपेंद्र की वजह? हाँ पहले तो कि मैं बढ़ेगा रिस्पॉन्स है कि घटेगा भाई साहब? बढ़ेगा भाई साहब, बढ़ेगा। इसे तीन बार लड़ लिए, वो चौथी बार में थोड़ा सा लोग नाराज ज़्यादा हो जा रहे हैं ऐसा? बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है, और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि इसके राज देख लिया, या मनोहर लाल जी सीएम हैं उनके राज में भी इतने काम नहीं है जितने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम करे, इस वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। अच्छा हाँ जी। तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? बिल्कुल जी, स्ट्रॉन्ग क्या है उसके मुकाबले भी नहीं है जी कोई, जैसे अरविंद शर्मा आए हैं, ये पता नहीं कभी कोई सिपाही टीम चाहते हैं, कभी कोई सिपाही टीम चाहते हैं। थोड़े दिन पहले मायावती के बीएसपी में थे, अब बीजेपी में आ गए, उससे पहले कांग्रेस में भी थे, तो इनका नहीं कोई मतलब जगह है, कहाँ इसको अगर कोई काम स्टैंड नहीं है, अगर कल ना कोई काम पड़ गया तो कहाँ इसको ढूंढेंगे, ये नहीं पता ये पाएंगे कहाँ, दिल्ली बैठे होंगे या और कहीं, ये तो अपने पास के कभी चले जाओ इसके पास। हाँ किस टाइम भी लाना देते? बिल्कुल ठीक बात। ले भाई मारे तब बैठे हैं लेटे हैं तो पूछ लें। राम राम तब। तब ठीक ठाक है? ठीक ठाक भाई। कौन सा मनस ठीक है फिर? भाई हमने तो दीपेंद्र सही है। दीपेंद्र सही लग गए? दीपेंद्र सही। क्यों लग गया? दीपेंद्र में सारे गुण है भाई, कोई ऐब नहीं आज तक। अच्छा संसद में भी पहला नंबर पर बोलता है, पहला नंबर पर है आज तक। और भाई हरियाणा में इतने काम कर दिए ने, आज दिल्ली के रोड टूटे पड़े हैं, हरियाणा के रोड न्यू के लिए सीधे साफ, और सारा काम सही बन जो न्यूनतम कर जाओ देता हूँ वो काम कर रखे हैं हरियाणा में। ठीक है धन्यवाद धन्यवाद। चला भाई तो जी शुरुआत होगी है एक गांव के, वो तो बीच में आ रहे हैं पर एक गढ़ा मैंने बेरा को नहीं अंदर सीख रहा होगा, बतलाओगे भाई रोक ले सकती हैं वीडियो।